मुरादाबाद में कई दिनों तक तेजी के साथ हुई हर्ष फायरिंग के वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मुरादाबाद पुलिस ने शस्त्र का निस्त्रीकरण करते हुए पूरे मामले पर कार्यवाही की जा रही है। विदित को पिछले 4 दिनों से सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर विपिन मैसी नाम ये व्यक्ति द्वारा दीपावली की रात राइफल से हर्ष फायरिंग की गई थी, जिसके उसके द्वारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर खुद ही वायरल की गई थी। इस मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की तो यह घटना थाना मझोला क्षेत्र की है और लाइसेंसी हथियार भी स्थानीय नेता मुकेश यादव के नाम पंजीकृत है। इस मामले में जानकारी देते हुए एसएसपी आदित्य लांघे ने बताया, इस मामले में अभी तक ये सामने आया है कि दिवाली वाले दिन एक व्यक्ति ने वीडियो बनवाया था, जिस दौरान उनके द्वारा हर्ष फायरिंग की गई है और ये वीडियो अपलोड हुआ था फेसबुक पे। ये जैसे ही हम लोगों तक पहुंचा है तो हमने इस चीज़ की तफ्तीश करवाई, जांच करवाई हम लोगों ने इस चीज़ की, तो जांच के दौरान पता चला है कि पहले तो ये बीच में आ रहा था कि ये 3-4 साल पहले की वीडियो है, लेकिन जांच के बाद पता चला है ये इसी दिवाली की घटना है, दिवाली वाले दिन शाम की घटना है और ये है मझोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत। ये जो व्यक्ति हैं वीडियो में ये रहने वाले सिविल लाइन्स के हैं, लेकिन जिनका ये शस्त्र था ये लाइसेंस शस्त्र है और ये एक व्यक्ति हैं मुकेश यादव जी, उनके नाम का ये शस्त्र लाइसेंस था जो इन्होंने प्रयोग किया। विपिन मैसे नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने प्रयोग किया और उस वीडियो में ये फायर कर रहे हैं हर्ष फायर। तो अब इसके लिए जो विधिक कार्रवाई है वो की गई है, इनकी निरस्तीकरण रिपोर्ट DM साहब को भेज दी गई है।